बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंडिया सोएफटी में। आज हम पढ़ेंगे व्यवसायिक गणित बिजनेस मैथमेटिक्स। बहुत सारे बच्चे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बनाते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, पर सभी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट जाता है या ये विषय बहुत टफ हो जाता है एग्जाम जब स्टार्ट होता है। टफ होने का रीज़न क्या है? आप सभी केवल क्रियात्मक प्रश्नों के पीछे पड़े रहते हैं, आप केवल उन्हीं को सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल्स तो कोई देखता ही नहीं है। दूसरी गलती, समय समय पर बुक चेंजेस होते रहते हैं और कई बच्चों को पता ही नहीं रहता कि बुक बदल चुका है और क्या क्या नए चैप्टर ऐड हो चुके हैं। तो बहुत सारे बच्चों को इस बार से पता है, बहुत सारे बच्चों को पिछले साल से नहीं पता था। व्यवसायिक गणित अपडेट हो चुका है, एक नया बुक आ चुका है जिसमें कुछ नए नए चैप्टर ऐड हो चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बार बता देता हूँ, औसत, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, ये सब एक यूनिट के अंतर्गत आ चुका है, है ना। कमीशन, बट्टा, लाभ, हानि, ये अपना अलग यूनिट बनाते हैं, तो ये पूरा यूनिट वन है, ये यूनिट टू है। मैट्रिक्स, आव्यूह और बीजगणित, ये अपने एक अलग बनाते हैं समीकरण। इसके बाद यूनिट थ्री हो गया, तो यूनिट फोर में लघु गुणक, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और ये चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का दोनों पर आधारित प्रश्न, ये पूरा अपने आप में यूनिट फोर का निर्माण करते हैं। वैदिक गणित जहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से पूरा यूनिट फाइव बनता है शायद, हाँ, वैदिक गणित से पूरा यूनिट फाइव बनता है, जिसमें वैदिक गणित क्या है, वैदिक गणित के संक्षिप्त इतिहास, गुणा भाग करने की विभिन्न पद्धति, साथ ही साथ द्विपद समीकरण इनमें सम्मिलित है। तो क्या क्या चैप्टर आपको पढ़ना ही चाहिए जिससे क्वेश्चन आता है और आपसे बने, तो उसमें मैं कहूँगा औसत एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक बड़े 8 नंबर के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। एक ही क्वेश्चन 8 नंबर के लायक होते हैं, जो कि एक्सरसाइज बी में है, तो वो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इसकी और भी एक्सरसाइज है जिससे क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ये औसत, ठीक है। अनुपात समानुपात में मिश्रित क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन हमेशा अनुपात से पूछे जाते हैं। प्रतिशत एक ऑप्शन हो जाता है एग्जाम में, और अगर 3 प्रश्न देते हैं तो देने के लिए, लेकिन 3 प्रश्न नहीं आते, अगर 2 ही प्रश्न होते हैं, 1-7 और 1-8 नंबर के, तो इन दोनों में से आते हैं। लेकिन ये मान के चलते हैं अगर 55 नंबर के 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं तो अगला आपका बिल्कुल प्रतिशत से आएगा, क्योंकि ये दोनों एकदम सेम है, जुड़वा है लोग एक दूसरे के, तो अलग जो तीसरा हट के आता है तो वो प्रतिशत होता है। तो आपको ये लगभग 3 चैप्टर यूनिट 1 से पढ़ना होता है, और वो भी सभी क्वेश्चन नहीं बनाना, टॉपिक वाइज बनाना, जो मैं बताता हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आते हैं उनको पढ़ना है। अगला है डिस्काउंट और लाभ हानि। डिस्काउंट और लाभ हानि दोनों से क्वेश्चन आते हैं, और इसमें तो अलग अलग 3-3 टॉपिक है, बट्टा है, कमीशन है, दलाली है, लाभ हानि क्रय विक्रय संबंधित क्वेश्चन है, तो ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसके अंदर भी क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये आपको तब पता चलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे फॉलो करेंगे, आने वाले नोटिफिकेशन को देखते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, तो क्योंकि मैं बताते रहता हूँ जब जब बिजनेस मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड होते हैं। आगे देखिए, आव्यूह, सारणिक और बीजगणित, यहाँ पर आव्यूह से बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं शुरू से और आते रहेंगे। बीजगणित जो इसमें नया ऐड हुआ है इसको हम देखेंगे, इसमें क्या नया टॉपिक है, अभी हमने इस पर वीडियो नहीं बनाई है, ठीक है, हाँ, लेकिन आव्यूह और सारणिक के आपको वीडियो मिल जाएंगे, कई हजार व्यूज हैं उसके ऊपर, बच्चे पिछले 1-2 सालों से देख रहे हैं, आप देख सकते हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगला जो टॉपिक है आपका लघु गुणक, ये इंपॉर्टेंट है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनका मिश्रित भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहाँ से आना है, लॉग से आना होता है, चक्रवृद्धि ब्याज से आना होता है, साधारण ब्याज से भी पूछा जाता है, इन दोनों के अंतर को भी पूछा जाता है, जो कि यहाँ पर आ सकते हैं। तो इनमें मैं कहता हूँ लगभग 3 चैप्टर ये शुरू के इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आ सकता है, हम इस पे वो नहीं कर सकते, संदेह नहीं कर सकते। यूनिट 4 में आपका वैदिक गणित का संक्षिप्त इतिहास थ्योरी दिया जा सकता है, क्योंकि बच्चों को थ्योरी पता होना चाहिए, हर क्वेश्चन में प्रैक्टिकल आना जरूरी नहीं है, तो इससे थ्योरी भी आ सकते हैं, और साथ ही साथ एक वैदिक गणित के गुणा भाग करने के क्वेश्चन और साथ ही साथ द्विपद समीकरण के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यही 2-3 टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हमने क्या क्या टॉपिक पर वीडियो बना दिया है, हमने औसत पर वीडियो बना दिया है, अनुपात पर बना दिया है, समानुपात पर बना दिया है, प्रतिशत पर बन चुका है, लाभ हानि, बट्टा, दलाली, कमीशन पर बन चुका है, आव्यूह पर पूरा बन चुका है, लॉग पर बन चुका है, चक्रवृद्धि ब्याज पर बन चुका है, सारे बड़े बड़े और इम्पोर्टेंट टॉपिक के वीडियो बन चुके हैं। वैदिक गणित के वीडियो, बहुत सारी वीडियो अपलोड हो रही है और होते जाएगी, ठीक है। द्विपद समीकरण के तो ऑल एक्सरसाइज के वीडियो आपको मिल जाएंगे, बस आपको ढूंढना पड़ेगा,
जो कि बहुत सरल है, कठिन नहीं जाएगा, वो भी बहुत इजी है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ते हैं, ठीक, आज हम पढ़ते हैं आपका प्रतिशत। प्रतिशत यूनिट वन के अंतर्गत कवर होता है और अभी लेटेस्ट में इस पर कोई वीडियो नहीं बनी है, तो चलिए आज मैं आपको प्रतिशत पढ़ाता हूँ। ये एक ऐसा वीडियो रहेगा जिसके लिए आपको 10 अलग अलग वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आज आप प्रतिशत का जीरो से लेकर के एडवांस तक के क्वेश्चन हम देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है ये भी जानेंगे, क्या अनइम्पॉर्टेंट है इसको छोड़ना है वो भी जानेंगे। तो सब कुछ आज बात करेंगे डिस्काउंट के प्रतिशत के बारे में। तो सभी बच्चे कॉपी निकाल करके बैठे और अपनी अपनी कार्यविधि नोट करते रहें जो जो मैं बताऊँगा, ठीक है? तो जल्दी से एक मिनट का समय आपके पास, अपना अपना पुस्तक कॉपी निकालिए। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत, इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन को भी हम छाटेंगे। हम देखते हैं कुछ हमारे पास खाली पन्ने हो तो, एक पन्ना मिल गया और ठीक, बाकी शायद हमारे सारे पेज फुल हो चुके हैं। ठीक, हमें और न्यू पन्नों की आवश्यकता होगी, हम भी निकाल लेते हैं। आप भी अपना कॉपी पुस्तक निकाल के बैठिए। ये हमारे पास और ढेर सारे पन्ने आ गए। बिना किसी रुकावट के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये हमने ऑल सेट कर लिया। ठीक, अब यहाँ से हम सबसे पहले देखेंगे प्रतिशत के बेसिक क्वेश्चन क्या होते हैं, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको जानना भी बहुत जरूरी है। तो बच्चों, प्रतिशत के सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ये टॉपिक मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको भी पता होना चाहिए और आप भी जब भी प्रैक्टिस करें इसी तरह से प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है प्रतिशत को पी बटे क्यू मतलब भिन्न के रूप में बदलना। ठीक, ये पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। और दूसरा होता है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक, ये दो टॉपिक के क्वेश्चन आज हम देखेंगे। अभी इसको बनाते हैं, अभी तो बहुत सारा बनाना है। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं 25% में भिन्न क्या है, 25% में भिन्न क्या है, है ना? ये 25% का भिन्न रूप क्या होगा, तो आपको बताना है 25% जो है, 25 का 25 है, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। फिर ये दोनों कटते हैं तो काटना होता है 25 एकम 25, 25 चौक 100। अब ये दोनों आपस में नहीं कटेंगे तो यही इसका भिन्न रूप है, पी बटे क्यू का रूप। तो हम कहेंगे 25% का भिन्न रूप 1/4 है। इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन दशमलव में हुआ तो, है ना, इसका भिन्न रूप क्या होगा अगर आपसे पूछ दिया जाए, तो ये भी एक कठिन सब्जेक्ट हो जाता है, टॉपिक हो जाता है। तो देखिए, 1.50 के बटे में आप 100 तो लिखेंगे। अब अगर आप दशमलव हटाना चाहते हैं तो दशमलव आप हटा सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बिना दशमलव के ये आपके लिए 150 है। अगर आप दशमलव भूल जाएं तो ये आपके लिए 150 है। दशमलव के बाद दो अंक हैं तो नीचे में दो जीरो लगाते हैं और पहले से जो 100 है उसके रहेंगे। कुल मिला के 10,000 हो जाते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट जाता है। और कटते हैं तो काट सकते हैं 5 या 15, 5 × 10, ये दो जीरो को उतार देना है। तो हम कहेंगे 150 का भिन्न रूप 3/200 होगा। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में?
ऐसे बनाते हम अपने क्वेश्चंस को। आगे देखते हैं क्वेश्चन थ्री क्या हो सकता है, इस पर भी नजर डालते हैं। अब हम सीखेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। आपने प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीख लिया है, अब आप सीखेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो मान लेते हैं 5/4 का प्रतिशत क्या होगा, ये बताइए, आपसे किसी ने पूछा। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करते हैं। तो 5/4 गुणी 100 करना है। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 2 × 4 = 20, 25 × 5 = 125। तो एक 5/4 का प्रतिशत रूप 125% होगा। इसी तरह से हम एक और संख्या देखते हैं, जैसे कि 1/2 का प्रतिशत क्या होगा। तो बच्चों 1/2 में जब आप 100 का गुणा करते हैं तो 100 × 1 = तो ये 100 हो जाएगा, लेकिन 2 से काटेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 और 0 × 0 ये 50% आता है। तो इस तरह से आपने देखा प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना, जो कि काफ़ी सरल है। प्रतिशत से भिन्न में बदलते हैं तो बटे में 100 करके ऊपर नीचे की संख्याओं को काटते हैं, और हर बार कटे जरूरी नहीं है। तो समझने के लिए अगर मैं इस तरह के प्रश्न देता हूँ कि 17% का भिन्न रूप ज्ञात कीजिए, तो आप 17/100 ही लिखेंगे और यही इसका भिन्न रूप है, यही आंसर है, क्योंकि ये दोनों आपस में नहीं कटते बच्चों। तो हर चीज़ें कटे जरूरी नहीं है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, कोई डाउट। और इसी तरह से मान लेते हैं हमने भिन्न को प्रतिशत बदलने को बोला, तो 100 डायरेक्ट कटे जरूरी नहीं होता। जैसे कि मान लेते हैं मैंने 5/7 दिया, क्या दिया, 5/7, जब आप 100 का गुणा करेंगे तो 100 × 5 = 500 हो जाएगा, 7/7 का 7, 7 के बारे में ना 5 आता ना 500 आता। इसका मतलब क्या है, आप इसको भाग करके देखेंगे कुछ इस तरह से, आप अंदर में 7 बाहर में 7 लिखेंगे, अंदर में 500 लिखेंगे, सत्ती सत्ती आप 49 लिखेंगे, 1 बचेगा, यहाँ 0 उतारेंगे 10 होगा, 7 × 7 = 7, 3 बचेगा। तो भिन्न को जब भी प्रतिशत में बदलेंगे तो दशमलव का भाग नहीं करना होता। 71 आपका आया तो आप सीधा 71 लिखेंगे, जितना शेषफल बचा उसको ऊपर लिखा जाता है, जिससे भाग दिया उसको नीचे लिखा जाता है, ये इसका प्रतिशत रूप होता है। तो आप कहेंगे 71 से ही 3/7%, ठीक है, याद रहेगा। एक बार और देख लीजिए, अगर मैंने 100/3 का प्रतिशत रूप आपसे पूछा तो इसका मतलब क्या है, आप 100 में 100 का गुणा करेंगे और 3 से भाग देंगे, तो कुल मिलाकर के तो ये 10,000 हो जाएगा, है ना। 3 × 9 करेंगे 1 बचेगा, फिर ये 0 उतरेगा, फिर 3 × 9 करेंगे 1 बचेगा, फिर ये 0 उतरेगा, फिर 3 × 9 करेंगे 1 बचेगा, ये 0 लिखेंगे, फिर 3 × 9 लिखेंगे। इस तरह से आप एक एक बचते जा रहे हैं, आप देखते जा रहे हैं, तो आप कहेंगे 3333 सही 1/3%, जो शेषफल एक बच रहा है उसको ऊपर में, जिससे भाग दिया उसको नीचे में, ये इसका हुआ प्रतिशत रूप, ठीक है, कंप्लीट हुआ, ठीक। देखिए उदाहरण, जैसा कि मैंने कहा था आप लोग ध्यान नहीं देते, तो उदाहरण को ध्यान से देखिए, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। ये है एक्सरसाइज बी के पहले का उदाहरण, जहाँ पर कुछ आय और खर्च से संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं। चूँकि अब 55 नंबर के प्रश्न आने हैं तो इनसे भी का प्रश्न आ सकते हैं, है ना, तो ऐसे प्रश्न भी आपको बनाना आना चाहिए। जैसे देखिए इसमें क्या बोला है, एक व्यक्ति अपनी आय का 8% भाग मनोरंजन पर खर्च करता है, यदि उसकी आय 980 रुपये है तो मासिक, अच्छा यदि उसकी आय 980 रुपये मासिक हो तो उसका मनोरंजन पर किया गया वार्षिक व्यय बताइए। हर महीने वो 980 रुपये कमाता है और उसी का 8% खर्च कर देता है, किसमें, मनोरंजन में। तो उसको बनाने के दो तरीके होते हैं, मासिक अगर वो इतना कमाता है तो आप इसमें 12 का गुणा कर सकते हैं, है ना, या फिर 8% निकालने के बाद जो आएगा उसको 12 से गुणा कर सकते हैं, तो वो उसकी कुल खर्च काटने के बाद की इनकम हो जाएगी, और जो आया रहेगा 8% उसको आप 12 से गुणा करेंगे तो कुल उसके खर्च मिल जाएंगे। दो तरीके होते हैं बनाने के। इसमें क्या किया है, देखिए मनोरंजन पर प्रति माह खर्च किया गया है 8% अपने आय का, तो आय का मतलब आय कितना है, 980 का 8%, तो इस तरह से जब निकाला गया है तो ये निकला 78 रुपये 40 पैसे कुल खर्च जानना है, तो ये मासिक है, अब इसमें 12 का गुणा कर दीजिए तो 940 निकल गया। तो ये जो भी पूछता आप निकाल सकते,
खर्च करने के बाद की आय पूछता तो भी आप बता सकते हो, व्यय पूछा है तो एक बार जो निकला उसमें 12 का गुणा करके साल भर का व्यय बता सकते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से होते हैं जो कि काफ़ी ईजी होते हैं। आपको इन प्रश्नों को जरूर देखना है एग्जाम से पहले, है ना। मैं भी और बताता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए आपको बनाना आना चाहिए। एक्सरसाइज सी से पहले भी कुछ उदाहरण होते हैं, मैं वो भी देख लेता हूँ। हाँ, ये इधर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं इस टॉपिक में, जो कि चुनाव से संबंधित होते हैं कि एक चुनाव में कितने मतदाता ने चुनाव डाला, वोट डाला, नहीं डाला, कितने रद्द हो गए, कितने अवैध घोषित हो गए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जीतने वाला कितने से जीता, हारने वाला कितने प्रतिशत से हारा। देखिए, बोला है चुनाव में एक उम्मीदवार को 42% मत मिले और वह 24 मतों से हार गया। 42% वोट मिला और 24 मत से हार गया। कुल मतों का आप केवल दो ही उम्मीदवार मान सकते हैं। कुल मत बताओ, बोल है ना, कुल मत बताओ। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में जब एक ही भाग दिया रहे आपको मान लेना है, माना कुल मत 100 होते हैं। हारने वाले को 42% मिला, इसका मतलब आप जान सकते हैं कि 100 में अगर आप 42 घटाते हैं तो जीतने वाले को कितना मिला। 100 में 40 गया 60 होता है, 60 में 2 भी गया 58 होगा, तो जीतने वाले को 58% मिला है, ये क्लियर है। तो इन प्रश्नों को ऐसे बनाते हैं कि हारने वाले को 42 मिला, मतलब जीतने वाले को 58 मिला। अब जीतने वाला कितने मतों से हारा, 24 मतों से हारा, है ना। तो देखिए, इस प्रकार हारने वाला उम्मीदवार 58 मत 42% माइनस करके 16 मतों से हारा। कितने मतों से हारा, 16 मतों से हारा। जब 16 मतों से हारता तो कुल मतों की संख्या उस समय 100 रही होगी, है ना। हमने जो 100 मान के बनाया उसके हिसाब से हम निकाल रहे हैं कि अगर कोई जीतने वाला 58 पाता है, हारने वाला 42 पाता है, तो कितने मतों से हारा है। 58 माइनस 42 करोगे 16 मतों से हारे, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो 100 के हिसाब से था, है ना। अब अगर 24 मतों से हारता है तो 100 × 24/16 कर लेना, 100 × 24/16, है ना। और इस तरह से डिवाइड करके आपको मिलेगा कुल मतों की संख्या 150। कितना मिलेगा, 150। तो ये 3-4 लाइन में बन गए हैं क्वेश्चन, बस आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है कि माना कुल वोटों की संख्या 100 है, हारने वाले को 42 मिला, जीतने वाले को 52 मिला, इस प्रकार अंतर क्या रहा दोनों का, 16 मतों का रहा। अब कुल मतों की संख्या जाननी है तो जितने मतों का हारा है और अभी आपने जो निकाला है, तो पहले के मत बटे भी नया मत गुणित 100 करके आप निकालेंगे तो ये कुल मतों की संख्या मिल जाती है। एक उम्मीदवार को 65% वोट मिले, वह 2745 वोटों से विजयी रहा, बताइए कुल कितने वोट पड़े, है ना। एक उम्मीदवार को 65 वोट मिले, हुआ 2745 वोटों से विजयी हुआ, तो हारने वाला मेरे ख्याल से 100 में 60 गया, 40 में 5 गया, 35% से हार गया। तो देखो, माना यह मान लेना आवश्यक है कि दो उम्मीदवार हैं, ये तो मानना ही पड़ेगा, एक जीता एक हारा होगा, तो कुल वोट कितने हैं, 100 हैं। जीतने वाले को 65 मिला, मतलब हारने वाले को 35% वोट मिला होगा। अंतर कितने का रहा, 30 वोटों का रहा। तो जब अंतर 30 वोटों का है तो कुल वोट 100 पड़े थे उस समय, तो अभी इसमें बताया गया है कि डिफरेंस है इतना, इतने मतों से वो जीता है, तो ये जो डिफरेंस होता है उसको ऊपर में रखना है, जितना घट करके आया उसको नीचे में रखना होता है, गुणा 100। अब देखिए, दो प्रश्न हुआ तो आपको पता चल गया, जो एक्चुअल में डिफरेंस प्रश्न में दिया रहता है उसको ऊपर में रखते हैं, और जो घटाने से आता है उसको नीचे में रख के भाग देते हैं 100 का गुणा करके ऊपर में। इस तरह से इसका निकला 9150, तो हम बता सकते हैं कुल वोटों की संख्या इसमें 9150 है। तो ऐसे ही ना, एक क्वेश्चन समझ में ना आए तो उससे हार नहीं मानना है, आपको एक एक करके क्वेश्चन बना बना करके देखने होते हैं। अब इसको देखो, एक चुनाव में डाले गए मतों का 4% रद्द हो गया, एक प्रत्याशी वैध मतों का 55% प्राप्त करता है एवं 240 मतों से जीतता है। मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए और डाले गए मत की संख्या भी ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं, कठिन नहीं होते। देखिए, कुल जो भी वोट डाले जाएंगे 100% होते हैं, इसमें से 4% रद्द हो गए, ऐसा प्रश्न ने खुद कहा है। 100 में 4% रद्द हो गया, इसका मतलब इस वर्ष 96% वोट डाले गए हैं। अब इस 96% का पचपन प्रतिशत जीतने वाले को प्राप्त हुआ, तो 96 का 55% आप ऐसे करके निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, अवैध जो घोषित हो गया 100 में से 4, मतलब 96 हुए। जीतने वाले को 96 का 55% मिला, मतलब 52.8 मिला। हारने वाले को इसी में से देखिए
जीतने वाले का कुल में से घटा देंगे तो हारने वाले का पता चल जाता है, तो हारने वाले का 43.2 हो गया। अंतर क्या रहा जीतने और हारने वाले का, तो इन दोनों घटाने से अंतर आपको मिल जाएगा 9.6 का। जीतने वाले का 240 दिया है तो 9.6 का अंतर है, तो 100 गुणित जो अंतर पुरुष प्रश्न में दिया है, तो जीतने वाले का 240 बटे 9.6 गुणा भाग करके कुल मतों की संख्या ही 2500 रुपये। तो इस तरह से आपको अब इन प्रश्नों को खुद से बना करके देखना है, जो कि मुश्किल से 5 है, और इनके सभी क्वेश्चन के सलूशन आपको चैनल में मिल जाएंगे। इतना कष्ट आपको करना पड़ेगा, ढूंढ के देखिए बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर प्रतिशत करके, नहीं मिलता है तो कमेंट कर देना भाई, उसके वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बच्चों। नोटिफिकेशन और मिलेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाना और ऑल पे सेट करना। बाय बाय, वीडियो को लाइक कर दो समझ आया तो।